नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं नवरात्रि स्पेशल रेसिपी, जो कि आज हम बनाएंगे नवरात्रि में दही वाले आलू, जो कि बिल्कुल चाट के जैसे लगते हैं। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3 उबले हुए आलू। इसके जो है हम छिलके उतार लेंगे इस तरीके से। अब जो है इसे हम छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। आप चाहे तो इसे पीसेस में कट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने तोड़ लिया है। अब क्या करेंगे, हम गैस ऑन करेंगे, एक पैन रखेंगे, पैन में 1 चम्मच जो है घी डालेंगे। हम व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसलिए हमने घी डाला है। अब उसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच जीरा और 2 से 3 जो है हरी मिर्च डाल देंगे छोटे टुकड़ों में काट करके। जब ये थोड़े से भुन जाएंगे तब इसके अंदर हम डाल देंगे अपने उबले हुए आलू को। दोस्तों, नवरात्रि में इसे आप ज़रूर बनाइए, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मेरी तो ये स्पेशल डिश है नवरात्रों में। अब जो इसके अंदर हम डाल देंगे स्वाद अनुसार जो है नमक, 1/2 चम्मच डाल देंगे अदरक कद्दूकस करके, और अच्छे से इसे हम चला लेंगे और इसे जो है हम थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक ये थोड़े से ब्राउन ना हो जाए। कंटिन्यू जो है इसे नहीं चलाना है, बीच बीच में रोक करके चलाएंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से जो है भुन गए हैं, बिल्कुल सुनहरा हो गया है। गैस ऑफ कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। तब तक जो है क्या करेंगे, हम दही लेंगे, दही को जो है हम थोड़ा सा फेंट लेंगे। ये देखिए, अगर आपको दही गाढ़ी लगे तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। हमारे जो आलू है वो ठंडे हो गए हैं, इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब उसके ऊपर डाल देंगे हम दही को। तो ये देखिए, दही आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके ऊपर डाल देंगे हम थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती, साथ ही इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा। और हमारा जो है दही वाले आलू बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कैसा लगा। जो आलू के छोटे छोटे टुकड़े बचे थे ना, वो भी इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगते हैं। तो दोस्तों, रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और एक बार ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ऐसी इजी रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।